हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि थायराइड की बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, यह किन कारणों से होता है, थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, थायराइड की बीमारी कितने किस्म की होती है, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल थायराइड के इलाज में किया जाता है और सबसे लास्ट में थायराइड के साथ कौन सा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है वो ज़रूरी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन सब जानकारियों को मैं शेयर करूंगा आज आपके साथ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन क्या होता है? थायराइड हार्मोन एक ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है जो कि हमारे गले में होती है। इस ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, और इसी T3 और T4 के इम्बैलेंस की वजह से हमें जो है थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम होता है? थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में हमारे वेट को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, दिमाग के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है इसकी, बॉडी की एनर्जी और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी इसकी इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। थायराइड किन कारणों से होता है? थायराइड बेसिकली दो किस्म का होता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म से मतलब है जब आपकी बॉडी में थायराइड की मात्रा कम उत्पादित होती है, और हाइपर से मतलब है ठीक उसके विपरीत, जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा उत्पादित होती है। जनरली थायराइड होने का रीज़न जो होता है वो होता है अगर आपने डाइट में आयोडीन कम लिया है, या फिर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, या बर्थ के साथ कोई कंजेनेटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से थायराइड की ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती। कई बार कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी हमें थायराइड की समस्या देखने को मिलती है। कई बार ये जेनेटिकल डिसऑर्डर भी होती है जिसमें फैमिली टू फैमिली वंशानुगत ये आगे चलती है, या फिर सोया प्रोडक्ट्स भी इसका एक रीज़न हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें अक्सर हमें थायराइड की गोली खानी पड़ती है, इसमें T3 और T4 का लेवल तो नॉर्मल होता है लेकिन TSH का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर एल्ट्रॉक्सिन वगैरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके ठीक विपरीत, जब T3 और T4 नॉर्मल हो लेकिन TSH का लेवल घट जाता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस ही लोगों में ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसमें हमारे शरीर का वज़न बढ़ जाता है क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी के बजाय फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डिप्रेशन वाले हॉर्मोन्स की सिक्रीशन हमारे बॉडी में एक्टिव हो जाती है। तीसरा, थायराइड की कमी होने से कब्ज़ वगैरह की समस्या भी देखी जाती है। इसके साथ में थोड़े से काम करने पर जल्दी थक जाना, ठंड लगना जिसे कोल्ड इंटॉलरेंस भी कहा जाता है, ये समस्या होती है, और साथ में बाल वगैरह झड़ने की समस्या भी इसमें देखी जाती है। कई बार थायराइड ग्लैंड साइज़ में यानी आकार में बढ़ जाता है और इस सिचुएशन को गॉइटर कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं अक्सर हाइपोथायरॉयडिज्म में देखी जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि थायराइड के टेस्ट रिजल्ट को कैसे समझा जाता है। देखिए, जब भी आप अपने थायराइड का टेस्ट कराएंगे तो इसमें तीन तरीके की रीडिंग्स रहती हैं। पहला है T3, T4 और TSH। तो T3 की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 0.6 से 0.8 के बीच में, वहीं T4 की 5.0 से 12.5 के बीच में, और TSH की 0.3 से 5.5 के बीच में। तो अगर आपका T3 और T4 नॉर्मल है और TSH बढ़ा हुआ है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब शरीर में हार्मोन जो है वो कम उत्पादित हो रहा है। और ठीक उसके विपरीत, अगर T3 T4 नॉर्मल है और TSH घटा हुआ है तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की सिचुएशन है, यानी कि थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शरीर में बन रहा है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी दवाई दी जाती है? इसके लिए एल्ट्रॉक्सिन नाम की दवाई आती है जो कि ज़्यादातर दी जाती है। ये एक थायराइड हार्मोन होता है जिसको हम एडिशनली अपनी बॉडी में लेकर थायराइड की कमी को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को घटाता है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले कैल्शियम की टैबलेट्स लें। ये काफ़ी अच्छी कंपनियों की मार्केट में मौजूद है, जैसे आप टोरेंट फार्मा का शेलकाल टैबलेट 500 mg का ले सकते हैं,
और ये गोली दिन में एक बार लेनी होती है। तो इस तरीके से आप कैल्शियम के सप्लीमेंट को लें और इससे आपके शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी दूर होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक और बीमारी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते।